आप माता जी के दर्शन कर रहे हैं जैसा कि आप देख। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रैवल फूड्स नापलो दुनिया पर। आज हम हैं अपने शहर कानपुर में और हम आपको नवरात्रि के पहले दिन दर्शन कराने वाले हैं माँ सुबेश्वरी देवी के, और हम आपको दिखाएंगे कि कोविड का यहाँ कितना असर है। जैसा कि आप पीछे देख रहे होंगे कि इसमें श्रद्धालु जो काफ़ी संख्या में हुआ करते थे, काफ़ी कम मात्रा में आपको नज़र आ रहे होंगे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं और माता जी के दर्शन कराते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम पहुंच गए हैं तपेश्वरी मंदिर। और पहली बात मैं आपको बता दूं, इस समय कोविड का असर नज़र आ रहा है साफ साफ यहां पर, क्योंकि ये जो गलियां देख रहे हैं, अगर कोई यहां पहले आया होगा तो ये सारी गलियां एकदम गुलजार रहती थी। आज नवरात्र का पहला दिन है और यहां काफ़ी मात्रा में भीड़ होनी चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं कितना खाली माहौल है यहाँ पर। और ये साफ साफ कोविड का असर दिखाई दे रहा है दोस्तों। नहीं तो यहाँ पर पूरा मेला लगा हुआ था, होता था, लोगों का बहुत हुजूम होता था, श्रद्धालु भारी संख्या में आते थे, लेकिन कोविड की वजह से काफ़ी कम संख्या में लोग यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर, देखते हैं वहाँ क्या माहौल है। दोस्तों, हम आ गए हैं मंदिर परिसर में। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ी आपको भीड़ नज़र आ रही होगी श्रद्धालुओं की, और जो प्रसाद की दुकानें हैं वो पहले की तरह सजी हुई हैं, लेकिन जो नवरात्रि में के पहले दिन जो भीड़ होती थी श्रद्धालुओं की दोस्तों, वो यहाँ पर अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही है। तो चलिए हम भी प्रसाद ले लेते हैं और प्रसाद वाले भाई से पूछते हैं कि इस समय कोविड का यहाँ पर कितना असर है। दोस्तों, हम आ गए हैं मंदिर परिसर में। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ी आपको भीड़ नज़र आ रही होगी श्रद्धालुओं की, और जो प्रसाद की दुकानें हैं वो पहले की तरह सजी हुई हैं, लेकिन जो नवरात्रि में के पहले दिन जो भीड़ होती थी श्रद्धालुओं की दोस्तों, वो यहाँ पर अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही है। तो चलिए हम भी प्रसाद ले लेते हैं और प्रसाद वाले भाई से पूछते हैं कि इस समय कोविड का यहाँ पर कितना असर है। भैया 50 का प्रसाद लगा दीजिए। महीने 50 का ये प्रसाद हमें लगा दिया है। इसमें देख लीजिए प्रसाद की फूल थे और ये लड्डू थे थोड़े। और कि भैया कोविड का असर दिखाई दे रहा है, कोविड का भीड़ है, भीड़ है कि कम है पहले से? कोविड का असर है मतलब। आप कब से यहाँ दुकान लगा रहे हैं? लगभग 40 साल। कभी ऐसा असर देखा है आपने? इतनी कम भीड़ तो हमने भी नहीं देखी, हम भी कानपुर के रहने वाले हैं। हाँ, नहीं देखी ना। तो जैसा कि भैया बता रहे, क्या नाम है भैया आपका? ऋषभ। जैसा कि बता रहे हैं कि इन्होंने कभी भी, इनकी 40 साल पुरानी दुकान है और कभी भी इतनी कम भीड़ यहाँ पर नहीं देखी है। तो जैसा कि साहब साहब आपको समझ में आ रहा होगा कि कोविड का असर है। चलिए दोस्तों, हम भी चलते हैं, दर्शन करते हैं और आपको गिराते हैं। हम मंदिर के गेट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम मंदिर में आ गए हैं, देखिए मंदिर कितना खाली है बिल्कुल। भैया आगे बढ़ रहा है, भैया बढ़ रहा है। आप माता जी के दर्शन कर रहे हैं जैसा कि आप देख। दोस्तों, हम हैं तपेश्वरी मंदिर में और हमारे साथ हैं मंदिर के पुजारी जी, और इनसे थोड़ा सा बात करते हैं कि कोविड का लेकर कैसा माहौल है यहाँ पर, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जैसे कि देखा जाए, मंदिर समिति द्वारा कराया जा रहा है,
और चलिए थोड़ी पंडित जी से राय लेते हैं। पंडित जी आपको क्या लग रहा है, मतलब पहले नवरात्रि के हम लोग भी पहले आए, पहले दिवस में काफ़ी भीड़ होती थी श्रद्धालुओं की, जो कि इस बार नहीं देखने को मिल रही है, तो कोविड का असर नज़र आ रहा है काफ़ी। अच्छा अच्छा ऐसे लॉकडाउन वजह से। अच्छा नहीं, जब पहले इतनी भीड़ हुआ करती कि इससे ज्यादा हुआ, पहले बहुत ज्यादा हुआ करती थी, कोरोना की वजह से थोड़ी सी भीड़ कम है, कम है, बस यही जाना। हाँ बस यही है कि माता जी की इतनी कृपा हो गई, सबको दर्शन मिल गए, सभी कानपुर वासी आके आप यहाँ दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि माता जी के पट खुले हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन कराया जा रहा है यहाँ पर, और प्रसाद वगैरह आप दूर से ही चढ़ा सकते हैं, चढ़ाने की व्यवस्था इस बार नहीं है। चलिए दोस्तों हमने आपको दर्शन कराए, मेला भी बाहर नहीं लगा हुआ है जैसा पंडित जी बता रहे हैं, तो काफ़ी कोविड की वजह से काफ़ी बदलाव नज़र आया है इस बार, लेकिन फिर भी हमें इसी में संतोष रखना चाहिए कि माता जी के दर्शन तो कम से कम हमें प्राप्त हो रहे हैं, तो आप सभी से गुजारिश है कि आइए और माता जी के दर्शन प्राप्त कीजिए। दोस्तों ऐसे ही भक्ति से परिपूर्ण वीडियोस और ट्रैवल के वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वो शेयर करें व बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।